वेलकम माई डियर स्टूडेंट्स, अज आप अठवीं क्लास से मैथ दे लर्निंग आउटकम बारे जानकारी प्राप्त करांगे। बेटा जी, वीडियो ध्यान नाल देखना, समझना, ठीक है। लाइक, शेयर, सबसक्राइब जरूर कर देना बेटा, तुहानू नैक्सट अपडेट्स ने नाल दी नाल मिलते रहन, ठीक है बेटा। चलो, फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर वन है तुहाडा प्रमेय संख्यावां, रैशनल नंबरस, ठीक है। रैशनल नंबरस, प्रमेय संख्यावां। सब तो पहला बेटा जो प्रमेय संख्यावान ने वह होंदिया कि जिन्होंने आप पी बाय क्यू फॉर्म च लिख सकते हैं, एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, जो फॉर एग्जाम्पल वन बाय टू, ठीक है। देखो बेटा, ये की सीखते हो फस्ट चैप्टर के प्रमेय संख्यावान के जोड़, ठीक है। एडिशन हो गया ऑफ रैशनल नंबरस, सबट्रैक्शन घटाओ, मल्टीप्लीकेशन गुणा, डिवीजन, ठीक है, वंड दे नमूनिया राही स्वीकृति थ्रो पैटर्नस, ठीक है। ये बेटा एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबरस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोशिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये किने बेटा थ्रो पैटर्नस राही सारा कुछ तुसी पता करोगे, सीखोगे, ठीक है। ये बारे तुम्हें जानकारी मिलेगी। सैकेंड है बेटा अपने को इस चैप्टर लर्निंग आउटकम, फाइंड आउट एज मैनी रैशनल नंबरस एज पॉसीबल बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबरस। दित्तियां हुई प्रमेय संख्या विचकार लोड़ अनुसार संभावित प्रमेय संख्यावां पता करना, ठीक है बेटा। मान लो तुहानूं दो नंबरस गिवन ने, दो रैशनल नंबरस गिवन ने, उहदे विचकार तुसीं जिन्नियां मर्जी रैशनल नंबरस फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर तुसीं फाइंड आउट कर सकते हो। होर है बेटा अपने कोल 16वें चैप्टर दी लर्निंग आउटकम है, जिवें 2, 3, 4, 5, 6, 9 और 11 दे डिविजिबिलिटी रूल ने, तुहानूं बारे जानकारी मिलेगी, ठीक है। तुसी रूल्स बारे पता करोगे, सीखोगे, ठीक है, किदां उन्हां नूं अप्लाई करना है, ठीक है। नैक्सट है बेटा अपने कोल चैप्टर 6 वर्ग अते वर्गमूल, ठीक है। इहदे विच तुसी की सीखोगे, ते चैप्टर 7 है घन अते घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट, 6 है स्केयर एंड स्केयर रूट। ये बेटा तुम की फाइंड आउट करोगे, फाइंड स्केयर्स, क्यूब, स्केयर रूट एंड क्यूब रूट ऑफ नंबर यूजिंग डिफरेंट मैथड्स, ठीक है। तुम ये बेटा जो स्केयर रूट फाइंड आउट करते हो, सबट्रैक्शन मैथड यूज करते हो, कई बार घटाओ विधि बारे सीखोगे, लॉन्ग डिवीजन मैथड बारे सीखोगे, ठीक है। डिवीजन मैथड है बेटा अपने को, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड है, वो बारे भी तुम सीखोगे। होर कई फार्मूले ने जो यूज करोगे, ये जिहड़ा चैप्टर 7th है ये बेटा तुसी प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड यूज़ करोगे, ठीक है। तो बेटा अलग अलग तुसी फॉर्मूले दे विच यूज़ करोगे, तो उन्हें सीखोगे उन्हां बारे। जिहड़ा अपने कोल 12th चैप्टर है बेटा घात अते घात अंक, ये तुसी की सीखोगे, सॉल्व प्रॉब्लम्स विद इंटैगरल कोफिशिएंट्स, ठीक है। प्रॉब्लम्स ने इंटैगरल कोफिशिएंट, मतलब घात अंक की प्रॉब्लम्स ने, उन्हां नूं तुसी हल करना सीखोगे। जिमें अपने कोल है इस रिलेटिव एग्जाम्पल, जिमें 2 का क्यूब आ इनटू 2 की 5 आ, जे पावरस अलग अलग ने, बे सेम ने, ठीक है, सेंटर मल्टीप्लीकेशन का साइन आ, तो पावरस की होंगे ने अपने कोल ऐड, ठीक है। जो 2 की पावर कितनी आ गई अपने कोल 8, इदां ही बेटा जिमें 2 का क्यूब आ, सेंटर डिवीजन का साइन आ तुहाडे कोल, ठीक है, तो 2 की पावर कितनी अपने कोल 5, तो पावरस की होगी बेटा सबट्रैक्शन 3 - 5, ठीक है। 2 की पावर कितनी बन गई अपने कोल -2, इदां तुसी बेटा जिमें 2 की पावर 3 है, ठीक है, इनटू 5 की पावर अपने कोल की है बेटा 3 है। जे पावर सेम ने तो बेस मल्टीप्लाई ने, तो थोड़े बेस की हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन, 2 × 5 की पावर कितनी आ जाएगी 3, मतलब 10 की पावर कितनी बन गई बेटा अपने कोल 3, ठीक है। इदा तुसी रूल्स ने उन्हां बारे तुसी जानकारी प्राप्त करोगे। होर भी है बेटा अपने कोल, जिवें 2 की पावर अपने कोल 3 होवे, ठीक है, तो ये बाहर अपने कोल 2 आ, तो पावरस की हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन, 2 की पावर कितना बन जाए बेटा अपने कोल 6, ठीक है। इदा सारे तुसी रूल्स ने अप्लाई करने बारे सीख जाओगे। नैक्सट है बेटा अपने कोल एक चल वाले रेखी समीकरण, सॉल्व पजल्स एंड डेली लाइफ प्रॉब्लम यूजिंग वेरीएबल्स, ठीक है। एक चल वाले रेखी समीकरण बेटा, जिमें फॉर एग्जाम्पल 2x + 3, ठीक है, इस वेरीएबल की है बेटा अपने कोल एक्स की पावर कितनी अपने कोल 1, ठीक है। इहदे नाल जिहड़े रिलेटेड प्रॉब्लम्स ने, ठीक है, उन्होंने सॉल्व करना सीख जाओगे। नैक्सट है बेटा अपने कोल चैप्टर 9 की, जिमें अपने को दिता, देखो 2x - 5,
नैक्सट है बेटा 3x + 7, तुसीं इहनूं एक्सपैंड करना सीख जाओगे। ठीक है, इहनूं किद्दां एक्सपैंड करना आपां ने फार्मूले वगैरह यूज़ करके जां सिंपल एक्सपैंड राही। नैक्सट है बेटा अपने को चैप्टर 9 दी लर्निंग आउटकम्स, यूज़ वेरियस अलजबरिक आइडेंटिटीज इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ डेली लाइफ। ठीक है, ये भी तुसीं बेटा अलग अलग फार्मूले बारे सीखोगे, अलग अलग फार्मूले जिवें अपने को अलजबरिक आइडेंटिटीज है ने बेटा, जिवें ए प्लस बी का स्केयर वाली है अपने को। ठीक है, जिवें ए प्लस बी का स्केयर इनू किद्दां अप्लाई करना है, जिवें ए स्केयर बी स्केयर प्लस 2ab, इदी बेटा ए माइनस बी का स्केयर इनू किद्दां अप्लाई करना है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। होर इहदे तुसीं यूज़ करोगे बेटा एक्स प्लस ए। ठीक है, जिवें एक्स प्लस बी ये कि बराबर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, नैक्सट है बेटा जिमें अपने को आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है बेटा, इदा तुसी अलग अलग आइडेंटिटीज बारे इन्हों किदा क्वेश्चन अप्लाई करना है ये बारे तुसी सीखोगे। ठीक है, नैक्सट है बेटा अपने को चैप्टर 8 राशियां की तुलना। ठीक है, ये बेटा तुसी इस चैप्टर के कंसैप्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस लाभ हानि कटौती डिस्काउंट वैट। ठीक है, कंपाउंड इंटरस्ट हो गया। ठीक है, क्या डिस्काउंट परसेंटेज मार्केट प्राइस एक्चुअल डिस्काउंट एज गिवन और फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट प्राइस ट्रांसैक्शन दे विच जो यूज़ होंगे ने बेटा ये सारे बारे तुसी जानकारी प्राप्त करोगे। ठीक है, तुहानू पता लग जाएगा प्रॉफिट कदों होना हानि कदों होनी है। ठीक है, कटौती वैट मिश्रित ब्याज। ठीक है, इन्हां सारे बारे तुहानू जानकारी मिल जाएगी तां तुसी डेली लाइफ दे विच इन्हां नूं यूज़ कर सको। ठीक है, जो तुसी चीज़ खरीदन जाते हो जां वेचन जाते हो तुहानू किन्ना प्रॉफिट या लॉस होएगा, तुहानू किन्ना डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, इहदे बारे तुहानू जानकारी सारी मिल जूगी। दे अगे है बेटा सीधे अते असिधे समान अनुपात के आधारित सवालों को हल करना, सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डायरेक्ट एंड इनवर्स पोर्शंस। चैप्टर बेटा 13वां है तुहाडा, इहदी लर्निंग आउटकम है बेटा, इहदे विच तुसीं की सीखोगे जिवें डायरेक्ट प्रपोर्शन आ, डायरेक्ट प्रपोर्शन की एग्जाम्पल की हैगी बेटा अपने को, जिवें मान लो तुसीं 5 किलो शुगर लेके आउंदे हो। ठीक है, 5 kg शुगर अपने कोल, वो किन्ने दी बेटा अपने कोल 200 rupees दी, तो तुसीं 2 kg लेके आनी है उहदी प्राइस तुसीं कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तुसीं डेली लाइफ से यूज़ करना सीख जाओगे। हुण देखो जे 5 kg आ 200 दी आई आ, हुण देखो 2 kg लैनी आ। ठीक है, शुगर की क्वांटिटी घट गई तो अमाउंट भी थोड़ा घट देनी पेगी, दोनों चीज़ा घट गई। यही जे तुसी बेटा 5 kg शुगर आ, मान तुसी 10 kg लेनी हो तो थोड़ा वध पैसे देने पैणगे। ठीक है, जां दोनों एक चीज़ वधदी आ दूजी वधूगी, एक चीज़ घटदी आ तो दूजी भी घटदी आ, उहनू की बोलते बेटा आप डायरैक्ट प्रपोर्शनस। ठीक है, सीधा अनुपात। हुण उल्टा अनुपात की आ, उहदे विच बेटा एक चीज़ वधदी आ दूजी घटदी आ। फॉर एग्जाम्पल जिवें देखो आपां ने 20 बंदे ला ले किसी काम ते, किसी काम नूं पूरा करन दे लई 20 वर्करस ने अपने कोल। ठीक है, मान लो किसी काम नूं बेटा वह 48 घंटिया च पूरा करते हैं। ठीक है, 48 hours वह पूरा करते हैं। मान लो आप उस काम नूं 30 घंटिया च पूरा करवाना चाहते हाँ। ठीक है, उस काम नूं आप 30 घंटिया च पूरा करवाना चाहते हाँ तो अपने जो वर्करस ने वह घट लाने पैणगे कि वध लाने पैणगे, वधाने पैणगे। ठीक है, कोई टाइम घट गया तो वर्करस बेटा आपू इनक्रीज़ करने पैणगे। ठीक है, हुण इहदे विच देखो बेटा जिवें टाइम घट गया। ठीक है, पर जिहड़े वर्करस की गिनती आ वो वध गई, एक चीज़ घटदी आ दूजी वधदी आ, उहनू की बोलदे बेटा आपां इनवर्स प्रपोर्शनस। ठीक है, उल्टा अनुपात। इहदे नाल रिलेटेड तुसीं डेली लाइफ च प्रॉब्लम्स ने वह सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नैक्सट देखो बेटा, नैक्सट है अपने कोल चैप्टर 3 चतुर्भुजा नूं समझना। ठीक है, चतुर्भुजा कोणां नूं दे जोड़ गुण राही पता करना करेगा, सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, क्वाड्रिलेटर दी बेटा अपने कोल एंगल सम प्रॉपर्टी की सीगी भी चारे कोणां दा जोड़ किन्ना हुंदा बेटा अपने कोल 360 एंगल ऑफ 4 एंगल्स। ठीक है, ऑफ ए क्वाड्रिलेटर किन्ना हुंदा बेटा अपने कोल 360
ਇਹ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ ਦਾ ਜੋੜ ਆ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਨਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੋਨ ਕੱਢਣੇ ਹੋਣ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪੋਲੀਗਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਆਡਰਨਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? 360, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਆਡਰਨਲ ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 360। ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 180, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਸਭ ਦਾ 360। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਬੇਟਾ, ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਹੈ ਵੇਰੀਫਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐਂਡ ਐਸਟੇਬਲਿਸ਼ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਦੈਮ ਥਰੋ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਪੈਰਲਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਡਾਇਗਨਲ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਦੇ ਬੇਟਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਾਵੋਗੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਨੈਕਸਟ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਸਾਰੀ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਚੈਪਟਰ 10 ਦੀ ਬੇਟਾ, ਪਸਾਰੀ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੀਟ, ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਆਦਿ। ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟ 3D ਸ਼ੇਪਸ ਔਨ ਪਲੇਨ ਸਰਫੇਸ ਸੱਚ ਆ ਸ਼ੀਟ ਔਰ ਪੇਪਰ, ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਐਕਸੈਟਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ 3D ਸ਼ੇਪਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 3D ਸ਼ੇਪਸ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, 3 ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਿਗਰਸ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3D ਸ਼ੇਪ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਫੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ 3D ਸ਼ੇਪ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਫੀਅਰ ਡਰਾ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 3D ਸ਼ੇਪ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਨ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 3D ਸ਼ੇਪ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਾਵੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀਫਾਈ ਐਲਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਥਰੋ ਪੈਟਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਲਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੋਸ ਆਕਾਰ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੈਪਟਰ 10 ਹੈ ਬੇਟੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, F+V=E+2। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, 5 FIVE, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਫ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਪਲੱਸ ਬਣ ਗਿਆ, V=E+2, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਫ ਕੀ ਆ, ਫੇਸ, ਵੀ ਕੀ ਆ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਟੈਕਸ ਸਿਖਰ, ਈ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਜ ਕਿਨਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਲਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਪਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਟੈਕਸ ਦਾ ਫੇਸ ਪਤਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਵੇਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਸਟਰਕਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੁਆਡਰੇਟਰ ਯੂਜਿੰਗ ਕੰਪਾਸ ਐਂਡ ਸਟਰੇਟ ਐਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੈਪਟਰ 4 ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਸਟੇਟ ਐਜ ਜਾਂ ਸਕੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਪਸ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਆਡਰੇਟਰ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੈਪਟਰ 5 ਐਸਟੀਮੇਟ ਦਾ ਏਰੀਆਜ਼ ਔਫ ਸ਼ੇਪ ਲਾਈਕ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਅਦਰ ਪੋਲੀਗਨ ਬਾਏ ਯੂਜਿੰਗ ਸਕੇਅਰ ਗ੍ਰਾਫ ਸ਼ੀਟਸ ਐਂਡ ਵੇਰੀਫਾਈ ਯੂਜਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਏਰੀਆ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਲੀਗਨਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਾਵੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੈਪਟਰ 11 ਬਹੁਭੁਜਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਫਾਇੰਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਪੋਲੀਗਨਸ। ਪੋਲੀਗਨਸ ਮੀਨਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਰੀਆ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਹੋ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 11 ਚੈਪਟਰ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮ, ਫਾਇੰਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਐਂਡ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਕਿਊਬੀਡਲ ਐਂਡ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਓਬਜੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਊਬਾਇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਵੋਲੀਅਮ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਾਵੋਗੇ, ਸਿਲੰਡਰ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਾਵੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਕਸ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਔਨ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਔਨ ਚਾਂਸਿਸ ਆਫ ਫਿਊਚਰ ਐਵਨ ਔਨ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਇਟਸ ਅਰਲੀਅਰ ਅਕਰੰਸਿਸ ਔਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਡਾਟਾ ਲਾਈਕ ਆਫਟਰ ਪੀਟਰ ਐਂਡ ਥਰੋਜ਼ ਆਫ ਡਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਕੋਇਨਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਟੈਬਲੇਟ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਈਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੁਆਇਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਾਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ,
जो मैं दसना चाहनी हाँ कई बच्चों ने भुलेखा आंदा पिरामिड ते प्रिजम दे विच की डिफरेंस आ, ठीक है। थोनों क्लीयर करना चाहनी हाँ। जिमें देखो अपने कोल पिरामिड है, जिमें फॉर एग्जाम्पल मैं एक पिरामिड की एग्जाम्पल लैनी हाँ, ठीक है। पिरामिड का बेटा अपने को सिंगल वर्टेक्स होंदा, वो सारे कॉर्नर नू जॉइन होंदा है, ठीक है। उदे विच बेटा जिमें ए भी अपने को पिरामिड है, मैं एक पिरामिड ट्रैंगुलर पिरामिड ड्रा कर दी हूँ, चलो एक सिंगल वर्टेक्स के नाल मतलब सारे कॉर्नर ने जिहड़े जॉइन होंदे ने। पर जिहड़ा प्रिजम आ, प्रिजम दे विच इदां नहीं होंदा। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं एक प्रिजम लैनी हाँ बेटा, प्रिजम की एग्जाम्पल लैनी हाँ। ठीक है, हुण जिवें ट्रैंगुलर प्रिजम है बेटा, ये थोड़ा सही नहीं ड्रा होया, चलो दोबारा ड्रा कर लैने आपां। आ देखो ठीक है, इदां ड्रा कर लैने आ, आ सही ड्रा हो गया अपने कोल। यह कि अपने कोल ट्रैंगुलर प्रिजम बेटा, ठीक है। ये कि अपने कोल दोनों पिरामिड, पिरामिड दे विच देखो सिंगल वर्टेक्स दे नाल सारे कॉर्नर जॉइन होंदे ने, प्रिजम दे विच सिंगल वर्टेक्स दे नाल सारे कॉर्नर जॉइन नहीं होंदे, ठीक है बेटा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।